और रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस को भी समझ सकते हैं और इसके साथ ही उनके दिखाए गए कर्तव्यों से वे सेना के ऑपरेशंस और उनकी कार्य प्रणालियों के बारे में भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। यानी समग्रता में देखें तो यह उत्सव एक, मैं यह मानता हूं कि अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस फेस्टिवल में और इसके साथ ही उनके दिखाए गए कर्तव्यों से भी सेना के ऑपरेशन और उनकी बेहतर कार्य प्रणालियों के बारे में भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं। यानी चर्चा में यह कर रहा था कि समग्रता में देखें तो यह उत्सव युवाओं के लिए ज्ञान अनुभव और देश प्रेम की एक संयुक्त स्थली है। ऐसे उत्सव आज के समय की जरूरत है, यह हमारी मान्यता है। हमारा पंजाब प्रांत आज से नहीं सदियों से सूरवीरों का यह जन्मदाता रहा है। ऐसे में इस तरह के उत्सव की शुरुआत अगर कहीं से हो सकती थी तो वह पंजाब के प्रांत से ही हो सकती थी और यह आयोजन हमारे उन वैरियर्स को श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। साथियों, हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना से लिटरेचर लिखे जाने की बहुत ही पुरानी परंपरा रही है। हिंदी हो या पंजाबी या फिर गुजराती, लगभग सभी भाषाओं में ऐसे लेखन हुए हैं जिन्होंने अपने समय में लोगों के अंदर स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत किया है और साथ ही विकसित भी किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्राचीन काल में चाणक्य जैसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने वारफेयर के बारे में लिखा है जो कई दृष्टियों से आज भी पूरी तरह से रेलिवेंट है। वहीं आधुनिक भारत में देखें तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह और लाला लाजपत राय से लेकर प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्रीयता की जो अलग अपनी लेखनी से जगाई वह आज भी पाठकों के हृदय को राष्ट्र प्रेम के प्रकाश से भर देती है। जयशंकर प्रसाद के एक कविता के पाठ का मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा। हिमाद्र तुंग तृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्र तुंग तृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ऐसी उद्घोषणा ने उस समय के युवाओं को एक नए जोश से भर दिया था। और इसी तरह गणेश शंकर विद्यार्थी और आगे चलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे पत्रकार भी हुए जिन्होंने पत्रकारिता को राष्ट्रीयता की दिशा में आगे बढ़ाया। साथियों, मिलिट्री लिटरेचर को आम जन से जोड़ने के पीछे खुद मेरी भी गहरी रुचि रही और मेरी बड़ी इच्छा है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे देश के इतिहास और खासकर जो बॉर्डर हिस्ट्री है, सीमाई इतिहास है, उसको जानें और समझें। और इसके लिए हमने डिफेंस मिनिस्ट्री का पद ग्रहण करने के साथ ही बाकायदा एक कमेटी गठित की है और यह हमारे बॉर्डर हिस्ट्री और उससे जुड़े जितने युद्ध हुए हैं, सूरवीरों ने बलिदान दिए हैं और उनके समर्पण को सरल और सहज तरीके से लोगों के सामने लाने की दिशा में यह काम करे, इस दृष्टि से मैंने एक कमेटी का गठन भी किया है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े थिंक टैंक, मिलिट्री स्ट्रेटेजी से भी जुड़ी रिसर्चेज, जर्नल्स और पीरियोडिकल्स का ऑफलाइन और ऑनलाइन यह प्रकाशन करते हैं ताकि इस विषय में रुचि रखने वाले लोगों तक ऐसी सामग्रियां मुफ्त में पहुंच सकें। इन सब का उद्देश्य यही होता है कि रिसर्चेज और जनता के बीच का यह गैप कम हो। समय समय पर मैं खुद इन कामों की समीक्षा करता रहता हूं और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं वह भी देता रहता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि हमारे देश की जनता अलग अलग स्तरों पर हमारी सेनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चीजों को
अच्छी तरह से समझें और यथासंभव उसमें अपना योगदान भी दें। इसके अलावा हमारी सेनाओं की लीडरशिप द्वारा लिखी गई बुक्स जैसे जनरल बीपी मलिक की कारगिल, लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जी की वार डिस्पैचेस और रचना विष्ट रावत जी की द प्रेस जैसी किताबें न केवल सेना से जुड़े लोगों बल्कि उससे बाहर भी बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं। इनमें एक दो पुस्तक पढ़ने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे में यह फेस्टिवल एक साथ हमें उन लिटरेचर से जुड़ने का मौका देता है जो अपने आप में नॉलेज और एक्सपीरियंस का भंडार है। साथियों, इस साल का यह आयोजन तो और भी खास हो जाता है जब हमारा पूरा देश 1971 के युद्ध का स्वर्णिम वर्ष मना रहा है और इस युद्ध में हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य और पराक्रम का जो प्रदर्शन किया था वह आज भी हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमारे अनेक ऐसे वेटरन साथी होंगे जो इस संग्राम के स्वयं साक्षी थे। यहां मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आप सभी हमारे वेटरन से उनके अनुभवों को जानने का कोई मौका न छोड़ें। हमारे युवा ये पाएंगे कि उनके रियल एक्सपीरियंसेस के सामने मोबाइल में खेले जाने वाले वार गेम्स की कोई अहमियत नहीं है। हमारे वेटरन्स इन अनुभवों के जीते जागते एक दस्तावेज हैं और चलते फिरते स्वयं में वह एक इंस्टीट्यूशन है। मैं इस फेस्टिवल में होने वाले इवेंट्स को खासकर पैनल डिस्कशन के विषयों को देख रहा था तो मुझे लगा इसका दायरा केवल मिलिट्री तक ही सीमित नहीं है बल्कि मिलिट्री के साथ साथ यह हमारे पूरे भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिदृश्य को अपने अंदर समेटता है। साथियों, डिफेंस और स्ट्रेटजी से जुड़े विषयों के साथ साथ देश की संस्कृति जय जवान जय किसान, आत्मनिर्भरता और बॉलीवुड जैसे विषयों पर संवाद इस आयोजन को बहुत ही व्यापक बना देते हैं। इसके अलावा जोश और जज्बा वाले मिलिट्री कॉम्बैट एपिसोड्स, ऑफ रोडिंग शो, बर्ड वॉचिंग, विंटेज कार रैली और सारागढ़ी युद्ध पर लाइट एंड साउंड शो, आर्मी डॉग डिस्प्ले जैसे अनेक अलग अलग शोज विविधता में एकता की भावना को भी एक्सप्रेस करते हैं। यह सब वाकई इस आयोजन को ग्रेटेस्ट लिटरेचर शो इन इंडिया बना देते हैं। साथियों, एक और दृष्टिकोण से यह आयोजन मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, खतरों और युद्धों के चरित्र में भी बदलाव आ रहा है, भविष्य में और भी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हमारे सामने आ सकते हैं। धीरे धीरे संघर्ष इतना व्यापक होता जा रहा है जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। साइबर स्पेस, बायोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन डोमेन में भी अब इसकी जद में आ गए हैं। आज मोबाइल की मारक क्षमता मिसाइल की मारक क्षमता से भी कहीं आगे बढ़ चुकी है। दुश्मन सीमा पार किए बिना हमारे लोगों तक अपनी पहुंच बना सकता है। ऐसे में हम सबको बिना वर्दी वाली सेना की भूमिका में भी अनिवार्य रूप से उतरना है और मेरा लेखक साथियों से आग्रह है कि वे इन विषयों पर भी अपनी कलम की ताकत का पूरा उपयोग करें। हम सभी इन खतरों से सचेत रहें, किसी भी गलत और भ्रामक सूचना से बचें और औरों को भी बचाएं। इस तरह के उत्सव इस काम में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आयोजकों से मैं यही अंत में कहना चाहूंगा कि आगामी फेस्टिवल में आप लोग इसे थीम के रूप में रखें और आम जनता को इसके बारे में जागरूक करने का भी प्रयास करें। और साथियों, हमारे यहां लिटरेरी और फिल्म फेस्टिवल का ट्रेंड तो रहा है पर मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल अपने आप में बिल्कुल एक नई शुरुआत है। इसकी सफलता इसके प्रारंभ हो जाने में ही है। मैं आगे इसकी और अधिक सफलता की शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।